हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो लिब्रा कैल्क की है और लिब्रा कैल्क में खास क्या है, क्या सीखने वाले हैं, आइए आपको दिखाता हूं। यहां पर लिब्रा कैल्क मैंने ओपन किया है और ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, देखिए ओपन हो गया। अब यहां पर आपको जाना है कैल्क स्प्रेडशीट पर, कैल्क स्प्रेडशीट पर ही हम काम करेंगे और देखेंगे कि ये नेम बॉक्स कहां होता है और ये नेम रेंज क्या चीज होती है। तो सबसे पहले एक छोटा सा डेटा हम बना लेते हैं, लाइक यहां पर देख सकते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट, यहां पर चले जाते हैं और यहां पर लिखते हैं सम का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, और यहां पर आप टोटल कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे सबका टोटल आपको होता हुआ दिखेगा यहां पर, देखिए और यहां पर डबल क्लिक कर देंगे तो सबका टोटल आपको दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। लेकिन हम चाहते हैं कि इन पूरे टोटल का टोटल करना है हमको, तो इसके लिए इस पूरे रेंज को आप सेलेक्ट कर लीजिए और पूरे रेंज को सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको आना है, मैनेज नेम पे जाना है और मैनेज नेम पे जाने के बाद यहां पर देख सकते हैं ऐड एक ऑप्शन आया हुआ है, तो इस ऐड पे क्लिक कर दीजिए। इसको नाम क्या देना चाहते हैं, मैं इसको नाम देना चाहता हूं ऐड दे सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमें जोड़ना है तो ऐड ही दे देते हैं, और ऐड पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करके यहां से ओके कर दीजिए। ओके हो गया, काम आपका हो गया है। अब पता कैसे चलेगा, हमको पता करने के लिए आपको इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और यहां पर सबको सम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ऐड लिख देना है, तो आप लिखिए ए डबल डी ऐड, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने ऐड, काम हो गया आपका और एंटर प्रेस कर दीजिए। यहां पर सबका टोटल होके आ गया है। अब इन सबका टोटल हुआ है सही से या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम यहाँ पे इज इक्वल टू लगाते हैं, सम का फॉर्मूला लगाते हैं और इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं जहां भी हमारा डाटा लिखा हुआ है, ये पूरी रेंज। अब ये सेलेक्ट हो गई, एंटर प्रेस करेंगे, देखिए रिजल्ट सेम है। तो इस तरीके से आप नेम रेंज बना सकते हैं। इसका फायदा यह है कि उस रेंज को, पूरी रेंज को ना सेलेक्ट करके आप केवल नेम लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। आई होप की बात समझ में आ गई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।